फ्रेंड्स, मैं पूनम पूनम इंडियन किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए वेज खिचड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में रेडी होगी और इसको हम बच्चों को भी बहुत आसानी से खिला सकते हैं, क्योंकि वो भी लाइक करेंगे। और इसमें हम मन चाहिए अपनी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं, जो भी हम बच्चों को खिलाना चाहते हैं। फुल ऑफ फाइबर, फुल ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन्स। सो हम लोग इसको बहुत आसानी से घर में रेडी करेंगे। फुल मील है, आप इसको कभी भी, आपको बहुत जल्दी में रेडी करना है, आप इसको बनाएं और खिलाएं। तो चलते हैं इस रेसिपी को फटाफट देख लेते हैं। वेजिटेबल खिचड़ी बनाने के लिए मैंने 1/3 कप ये राइस लिया है। ये राइस बासमती बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये बासमती राइस बहुत खिला हुआ बनता है। ये नॉर्मल राइस लें, इसकी खिचड़ी बहुत अच्छी बनेगी। और 1/3 कप ही मैंने धुली हुई मूंग ली है। और ये मैंने मीडियम साइज़ का ऑनियन लिया है, इसको इस तरह लच्छे में मैंने काट लिया है। ये मैंने 1 पोटैटो लिया है मीडियम साइज़ का, इसको भी मैंने इस तरह साइज़ में कट कर लिया है। ये मीडियम साइज़ का टमाटो लिया है एक, ये मैंने फ्रोजन पीस ली हुई हैं। और ये बीन्स कुछ ली हैं मैंने, 3-4 बीन्स थी। और 1 कैरेट है, और थोड़ा सा मैंने कॉलीफ्लावर लिया है, इसको मैंने इस तरह से फूल फूल थोड़ा थोड़ा काट लिया है। 2 चिली ली हैं, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने, उसको बारीक चॉप कर लिया है। 2-3 लहसुन की कलियाँ, उसको भी बारीक चॉप कर ली है। हमने एक कुकर को गैस पर रख दिया है, ये जैसे ही गर्म होता है हम इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे। ये देखिए 2 चम्मच घी हमने इसमें डाला। घी में खिचड़ी बनाए बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए घी गर्म हो गया है, इसमें 1 छोटी स्पून हम जीरा डाल देंगे। और जीरा जैसे ही पकेगा हल्का सा, देखिए इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे। हींग जरूर खिचड़ी में डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। 2-3 काली मिर्च डाल दें, और जो हमने प्याज कट किया था इस टाइम पे उसे डाल देंगे। ये देखिए ऑनियन पक रहा है। अब इस टाइम पर हम जो अदरक हमने कट किया था और लहसुन, वो भी इसी में ऐड कर देंगे। और इसको थोड़ा सा हमें भून लेंगे, हल्का सा कलर चेंज होने तक। ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए। गैस का फ्लेम मीडियम रखें। और ये देखिए कलर ऑनियन का थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। इस टाइम पर इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कैरेट ऐड करेंगे, और इसमें पोटैटो ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा चला लेंगे। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 छोटी चम्मच ही हमें चिली पाउडर डालना है। चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खिचड़ी बनाने में कोई ऐसी टाइम नहीं लगता है, ये तुरंत बनाएं और तुरंत खा जाएं, ऐसी चीज़ है। और इससे हमें क्या है, पूरा पौष्टिक भी मिलता है। बहुत अच्छी रेसिपी है ये, बहुत अच्छी डिश है, जो कि हम बच्चों को भी आराम से खिला सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, हम टमाटो डाल देंगे इसी में, टमाटो भी हल्का हल्का गल जाएंगे। कॉलीफ्लावर, इसको भी हमें ऐड करना है। बीन्स हैं, बीन्स को भी हमें ऐड कर देना है। मटर, बस थोड़ी सी सब्जियां हमारी हल्की सी पक जाएं, हम मटर डाल देंगे। ये देखिए सब्जियां हमारी पक गई हैं, 1 मिनट ही मैंने इसको चलाया है और ये पक आई हैं थोड़ी थोड़ी सी। तो इसमें मैं अब ये मूंग दाल डालूंगी। मूंग दाल को मैंने 1 घंटे पहले सोक कर दिया था अच्छे से धोकर। आप भी अच्छे से धुल लें सभी दाल को, राइस को अच्छे से धुल लें, सब्जियों को भी बहुत अच्छे से वॉश करें। अब इसमें राइस भी ऐड कर देंगे। अब इन सभी दाल को, सब्जियों को, राइस को अच्छे से मिक्स करें। और जो हमने पीस रखे हुए हैं फ्रोजन, वो भी इसी टाइम पे ऐड कर दें। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आता है, रंग बिरंगा, बिल्कुल कलरफुल सब्जियां होती हैं, देखने में भी अच्छी लगती है, पौष्टिक भी बहुत होता है। सब्जियों तो हमें हमेशा ही यूज करना चाहिए। खिचड़ी एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरे हिंदुस्तान में खाई जाती है, और बहुत लोग इसको लाइक भी करते हैं। मैंने चिली भी डाल दी है इसमें। 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर देंगे, और बस इनको मिक्स कर लें, फटाफट रेडी हो जाएगी ये खिचड़ी। 1.5 टीस्पून ये छोटी वाली सॉल्ट हम डालेंगे। तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये देखिए सभी सब्जियां और राइस मिल गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसमें
ये कप से हम डाल रहे हैं 6 कप पानी डालेंगे। 1 पानी थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है खिचड़ी में, तभी खिचड़ी अच्छी बनेगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। ड्राई भी बहुत ज़्यादा हो गई और सब्जी अलग है, राइस अलग है, तो भी इतना देखने में अच्छा नहीं लगता, खाने में भी मज़ा नहीं आता है। ये देखिए पानी हमने इसमें डाल दिया है और इसका लिड लगा देंगे, 2 विजल आने देंगे आराम से मीडियम फ्लेम पर और बस फिर बंद कर देंगे। देखिए 2 विजल हो गई हैं और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। बहुत अच्छी महक आने लगी है, पता चल जाता है कि हाँ हमारी खिचड़ी अच्छे से पक गई है। ये देखिए कुकर से गैस निकल गई है, अब इसको ओपन करके देखते हैं। वाह, स्पून से ये देखिए इसी तरह से खिचड़ी बनाएं आप घर पर। देखिए बिल्कुल ना ही बहुत गाढ़ी है ना ही बहुत पतली है और इसमें क्या है सारी सब्जियां बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। देखिए तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। अभी हाँ इसमें धनिया भी डालते हैं, धनिया मैंने कट करके रखा हुआ है, ग्रीन धनिया, इसको भी इसमें ऐड करें और अच्छे से मिक्स करें। क्या बात है, क्या खुशबू आ रही है। अब इसको हम बाउल में सर्व कर लेंगे, गर्मा गर्म खाएं इसको। हमारे यहाँ तो कहते हैं इसके साथ दही खाएं, अचार खाएं, दही पापड़ घी अचार, ये हैं इसके 4 यार। ये देखिए मैंने सर्व कर लिया है, अब इसमें घी डालेंगे। घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप लोग भी सेम घी डाल वाल के बढ़िया कंजूसी मत करें खाने में और खाएं। और इस रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। आप लोगों को अगर ये रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने व्यूज ज़रूर शेयर करें, या कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके आंसर ज़रूर दूंगी। अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए बाय बाय।